भैया राम राम। राम राम। मेरा नाम भेरूलाल राठौर है, मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम रघुवीर मैड़ा है और मैं गांव करमदी का ही एक किसान हूँ। दादा, ये जो नीम का तेल और ये जो सामग्री पड़ी है, इसको लेकर आज आप क्या कर रहे हो? भैया, मैं अपने कपास की फसल जो है उसके अंदर कीड़ों की रोकथाम के लिए नीम के तेल का छिड़काव करने जा रहा हूँ। ये नीम के तेल के छिड़काव की आवश्यकता क्यों पड़ी हुई आपको? भैया, कपास की फसल जो लगा रखी है उसके अंदर इल्लियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई है, इसलिए मैं नीम के तेल का छिड़काव कर रहा हूँ। भैया, हमें नीम के तेल का छिड़काव करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? भैया, नीम के तेल के छिड़काव करने के साथ में जो सामग्री लगती है वो हमने सारी इकट्ठी कर रखी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बॉटल नीम का तेल की ज़रूरत पड़ेगी। एक पंप के लिए एक शैम्पू का पाउच चाहिए और स्प्रे करने के लिए मोजे, चश्मा और मुंह पर पहनने के लिए मास्क और सिर पर टोपी या गमछा और स्प्रे करने के लिए एक स्प्रे पंप की आवश्यकता पड़ेगी।